एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो सैटरडे है, जैसे एस्ट्रोलॉजी सीरीज एवरी सैटरडे हम यहाँ से करते हैं, और हमारे साथ वेल नोन एस्ट्रोलॉजर जिनको बापा के नाम से जाना जाता है, वो है गुरुजी किरण ठक्कर जी। किरण जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, और सभी को जय गणेश। एस्ट्रोलॉजी सीरीज हर एवरी सैटरडे होता है, इस जिसमें आप लोगों की जो भी यहाँ पे आपने जो डिटेल्स आपकी भेजी है, उनमें से 4 या 5 लोगों को हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, बाकी के जो भी रहेंगे वो नेक्स्ट सैटरडे को होगा। और एस्ट्रोलॉजी में जो यहाँ से बताया जाता है वो है लाइव जन्माक्षर, मतलब लाइव कुंडली का प्रिडिक्शन यहाँ से किया जाता है गुरुजी के द्वारा। तो पूरे वर्ल्ड वाइड से लोगों के डिटेल्स आते हैं गुरुजी, तो आज भी काफ़ी सारे यूएसए से भी आए हैं डिटेल्स, और पूरे गुजरात सूरत से भी है, काफ़ी जगहों से हमें डिटेल्स आए हैं, तो उनकी हमें लाइव जन्माक्षर कुंडली का प्रिडिक्शन आज यहाँ से करना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना रहेगा आपको, कि फेसबुक पेज जैसे है हमारा, उस पर आपको लाइक करना है, आपको हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आपके फीडबैक भी आप उसी में भेज सकते हैं। और जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, हम हर एपिसोड में लास्ट की जो 5 मिनट्स होती है उसमें हम गुरुजी के द्वारा एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, उसमें अभी तक काफ़ी सारे ग्रहों के बारे में हमने सिखा दिया है, आज भी गुरुजी कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो जिनको भी सीखना है वो नॉट ऑर्बिट लेके बैठ जाएंगे और एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। तो गुरुजी, हम शुरू करते हैं अभी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आशा जी का जो डिटेल्स आया है, उनका है बर्थ डेट है 6 जनवरी 1990, उनका बर्थ समय है शाम को 6:37 और वो है गेंसविले फ्लोरिडा यूएसए से। आशा जी आप ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी आपके बारे में बता रहे हैं। 6 जनवरी 1990 जी, शाम को 6:37 जी, गेंसविले फ्लोरिडा जी। जी जी बताइए गुरुजी। उनका गोचर में चंद्र से चंद्र 7वें स्थान में है चित्रा नक्षत्र में, जो वो अपने पारिवारिक संबंधित प्रश्न लेके बैठे है ये उनकी कुंडली से दिख रहा है जी। और खास उनका बच्चों का प्रश्न अभी दिख रहा है जो उनकी कुंडली के हिसाब से दिखता है जी। उनके लिए गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ खास करे, दूसरा उनकी गर्भाशय की थैली में थोड़ा सा बिगाड़ दिखता है, जो हल्दी वाला दूध रोज रात को 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना है जी। 1 गिलास गरम दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के रोज लीजिए, उनसे काफी बेटर रहेगा और उनके काम में सरलता होगी जी। जी तो आशा जी, आपने सुना होगा आपके बारे में जो गुरुजी ने बताया है। और अभी दूसरे जो है कवन जी, जो 15 अक्टूबर 1995 है उनका बर्थ डेट, उनका बर्थ समय है 10:50 सुबह का। डेट क्या बोले? 15 अक्टूबर 1995। समय? समय सुबह 10:50 और उनका उपलेटा से, मतलब उनका बर्थ जो प्लेस है वो उपलेटा है, शायद उपलेटा गुजरात में है। 15/10/1995 जी, सुबह 10:50 उपलेटा। या इनका कोई प्रश्न है? नहीं, उनका मतलब बेसिक उनके बारे में उनको जी बताना है। उनका चंद्र से चंद्र 5वें स्थान में है मंगल के नक्षत्र में, अभी जो वो काम कर रहे हैं उससे उनको प्रगति नहीं मिल रही है, जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा, वो उनकी कुंडली से बेसिक अभी दिखता है,
और आज की तारीख में ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उनका माइंड बहुत ही विवरिंग रहेगा, ये दिख रहा है जो उनकी कुंडली के हिसाब से दिख रहा है। तो उनको भी गणपति मंत्र पे खास ध्यान दिया जाए, ये उनको बोला जावे, और गाय को हरी घास और गुड़ खिलावे, गाय माता को हरी घास और गुड़ खिलावे, जिससे उनको काफी फायदा रहेगा, ये उनको बोला जावे। बाकी टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा है, मैकेनिकल नॉलेज भी अच्छा है, कुंडली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी थोड़े समय के लिए जो मंगल वक्री हुआ है उसके कारण उनका थोड़ा डिस्टर्बेंस है, वो हो जाएगा, वो इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है उनकी कुंडली में। जी कवन जी, आपने भी आपके बारे में सुना होगा, और जिसे भी जैसे ही गुरु जी ने आपको बताया है उसको आप फॉलो कीजिएगा, जरूर आपको फायदा रहेगा। लेकिन दर्शक मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप भी आपके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर आपका नाम, आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस और आप कौन से सिटी से हैं, कौन से कंट्री से हैं, वो लिख के हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में या मैसेंजर में, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 9227645700 पे आप जरूर भेज सकते हैं। हाँ, मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि जितने भी दर्शकों ने हमें भेजे हैं अपने डिटेल्स, उनमें से कई दर्शक ऐसे हैं कि उन्होंने सिर्फ उनका बर्थ डेट भेजा है, तो इसी की वजह से हम इनको लाइव शो में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें आपका पूरा डिटेल्स चाहिए, शॉर्ट डिटेल्स में हम आपकी कुंडली नहीं देख सकते। तो ये बात पे आप ध्यान दीजिएगा और अपना डिटेल जो भेजते हैं वो पूरा भेजिएगा। आप कहीं से भी भेज सकते हैं, चाहे वर्ल्ड में कोई भी जगह पे हो आप, वहीं से आप भेज सकते हैं, और यहाँ से किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं लिया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। और गुरु जी भी, जब आप गुरु जी से डायरेक्ट भी बात करते हैं तो भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और आगे बढ़ते हैं, अभी जो है कल्पेश शाह जी जो यूएस से है, उनका बर्थ डेट है 5/12/68, और जन्म समय है उनका रात को 10:30, और जन्म स्थान जो है उनका वो सूरत है, लेकिन हाल ही में वो यूएस में है, और उनका प्रश्न भी पांच है गुरु बारह जी। उन्नीस सौ अड़सठ जी रात को 10:30 बजे सूरत। जी उनका प्रश्न भी है कि बिजनेस में अभी उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए वो क्या करें और बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। 100% चंद्र से चंद्र छठे स्थान में, उनके साथ में चीटिंग हुआ है किसी पैसों के कारण, पैसों की बातों से उनके साथ में चीटिंग हुआ है ये दिख रहा है, उनके दिमाग में ये चल रहा है। अभी फिलहाल कोई भी बिजनेस में वो हाथ नहीं अजमावे, क्योंकि अभी उनके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। उनके अंदर श्रापित दोष की एक पूजा है जो चाणक्य में होगी, यहाँ पे जब वो इंडिया आवे तब वो पूजा करवा, उसके बाद में उनका बिजनेस में हाथ अजमावे तो सही रहेगा। लेकिन हाल की डेट में वो बिजनेस से अच्छा अगर वो जॉब में ट्राई करे तो उनके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिजनेस उनके लिए अभी ठीक नहीं है, आज का समय जो उनके लिए है वो ठीक नहीं है। हाँ, उनका विल पावर बहुत बढ़िया है जिसके कारण वो टिके हुए है, वरना उनके कुंडली के हिसाब से उनके साथ में बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है, क्योंकि चंद्र से चंद्र छठे स्थान में उनके साथ में बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है, जी, ये दिख ही रहा है। जी कल्पेश जी, अगर ये बात सही है तो जरूर हमें बताइएगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा कि आपके साथ क्या सही में ऐसा हुआ है, और जो भी गुरु जी उसका सॉल्यूशन कुछ, अगर उनको स्टेबल रहना है तो उसके लिए कुछ। उनको गणपति दादा का मंत्र है, और हर सोमवार को और हर मंगलवार को मछली को खिलाना है, चावल का आटा, दूध और मिश्री, इनका लोट बना के, जैसे रोटी बना रहे ना उसका लुआ बना रहे, वैसे लुआ बना के छोटी छोटी गोली बना के मछली को खिलावे, उससे उनको काफी फायदा रहेगा। जैसे भी गुरु जी ने बताया है और जरूर एक आप, बात, इनको बोले मूंगा पहने, क्योंकि उनका मंगल इतना वीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन भी कम है, और बिजनेस में जो धोखा हुआ है उसी के कारण हुआ, तो मूंगा पहने वो उनके लिए बहुत जरूरी है। जी कल्पेश जी, आपने सुना होगा, उसी तरह से आप गुरु जी ने जिस तरह से बताया है
उसी तरह आप उनको फॉलो कीजिए। अभी ज़्यादा आपको गुरु जी से बात करनी है तो ज़रूर हम आपको उनका नंबर भी शेयर करेंगे, तो ज़रूर आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं और आपका सॉल्यूशन ला सकते हैं। दूसरे जो है राजू भाई, जिनका बर्थ डेट है 24 फरवरी 1962 और उनका जन्म समय है दोपहर को 1:40 और जन्म स्थान सूरत है। 24 फरवरी 1962 1962 जी दोपहर को 1:40 सूरत। उनका प्रश्न नहीं है बट बेसिक उनको उनके बारे में जानना है। उनका खुद का ही प्रश्न है कि अभी कुछ नया काम करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए सेटल होने के लिए वो क्या काम करे। जी वही चंद्र से अभी दिख रहा है, गोचर का चंद्र है, खुद की हेल्थ में भी थोड़ा प्रॉब्लम उनको दिख रहा है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप काम कोई भी करो, टेक्निकल नॉलेज इनके पास है और टेक्निकली मतलब ये मशीनरी के साथ में अच्छा काम कर सकते हैं, उनके नसीब में है। मंगल और शनि के जो योग बन रहा है उनकी कुंडली में, जिसके कारण वो मशीनरी के साथ में एक बढ़िया काम कर सकते हैं, ये इनके लिए दिख रहा है। और आज की तारीख में भी गुरु राहु के साथ में उनके सप्तम स्थान से पसार हो रहा है, तो वही चीज दिख रहा है कि मशीनरी के साथ में कोई अच्छा सा काम करे तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। जी उनका कोई और प्रश्न? जी नहीं, उनका कोई प्रश्न नहीं है, बस उनको बेसिक उनके बारे में जानना था। वही थोड़ा अभी जन्म लग्न के हिसाब से थोड़ा डिप्रेशन भी लगेगा उनको, थोड़ा टेंशन भी रहेगा, बाकी ऐसे कोई चिंता की कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा सेटल होने के लिए यही उनके जन्म लग्न और ग्रह नक्षत्र से दिख रहा है, और वही बोल रहा है कि मशीनरी के साथ में अगर कोई काम करते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और उसमें फायदा भी रहेगा। जी तो गुरुजी आज के जो प्रश्न थे हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। राजू जी आपने सुन लिया होगा, आप भी जैसे ही गुरुजी ने बताया है उसी तरह आप फॉलो कीजिएगा। अगर ज़्यादा आपके बारे में आपको जानना है, जो भी जितने भी दर्शकों ने अभी तक प्रश्न हमको किए हैं, अपनी कुंडली भेजी है, वो ज़्यादा जानना चाहता है तो हमें मैसेज कीजिएगा, हम गुरु जी का नंबर आपको डायरेक्टली दे सकते हैं। और गुरुजी आज के क्वेश्चंस फिनिश हुए, काफ़ी चार थे लेकिन दो हमने यूएसए के भी आज लिए हैं, तो यूएसए से भी कोई अगर भेजना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है तो भेज सकता है। और जो अभी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है वो नोटपैड लेके शायद बैठ गए हैं, गुरुजी रेडी हो चुके हैं, तो अभी जी आप सिखाएंगे एस्ट्रोलॉजी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि सूर्य मेष राशि में उच्चमय होता है, तो वही सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण भी होता है और स्वगृही भी होता है। ठीक है, अगर उच्च राशि का सूर्य बहुत ही बढ़िया फल देता है तो मूल त्रिकोण का सूर्य उससे थोड़ा कम फल देता है, लेकिन वो स्वगृही सूर्य से थोड़ा अच्छा फल देता है। ये एक मूल त्रिकोण की एक व्याख्या है, जो स्वगृही ग्रह से ज्यादा और उच्च ग्रह से थोड़ा कम फल देता है। तो इसीलिए सूर्य जैसे सिंह राशि में स्वगृही होता है, वैसे ही वहां पे मूल त्रिकोण भी होता है, लेकिन उसके अंश बताया गया है 0 से 20 अंश तक वो मूल त्रिकोण में रहता है। जब तक वो 20 अंश का रहेगा तब तक वो मूल त्रिकोण माना जाएगा, बाकी का वो स्वगृही माना जाएगा। वैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा वृषभ राशि में 3 अंश तक ऊंच का बताया गया है, लेकिन वही वृषभ राशि में 30 अंश के बाद, 3 अंश के बाद में 20 अंश तक उसको मूल त्रिकोण का दर्जा देता है, जो बहुत ही बढ़िया फल देता है। हाँ, लेकिन वो उच्च राशि से कम लेकिन स्वगृही राशि से अच्छा फल देने की ताकत रखता है। वैसे ही मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, वो मेष राशि में 12 अंश तक वो मूल त्रिकोण में रहता है, और मूल त्रिकोण का मंगल 12 अंश तक बहुत ही बढ़िया फल देता है, जो स्वगृही से अच्छा रहता है। वैसे ही बुध, देखो बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, वही बुध कन्या राशि में 20 अंश तक बहुत ही बढ़िया फल देता है, मतलब
उच्च राशि से कम लेकिन स्वगुरु से ज्यादा वो फल देता है। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, लेकिन वही गुरु को धन राशि बहुत ही पसंद है, वो 10 अंश तक बहुत ही बढ़िया फल देता है। जब तक वो 10 अंश तक रहता है धनु राशि में, वो मूल त्रिकोण माना जाएगा और मूल त्रिकोण में गुरु बहुत ही बढ़िया फल देता है। वैसे ही शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो तुला राशि उनको बहुत ही पसंद है। वैसे तो उनकी दो राशि है, वृषभ राशि और तुला राशि, दो राशि के मालिक है, लेकिन तुला राशि बहुत ही प्रिय है और तुला राशि में भी 15 अंश तक वो मूल त्रिकोण माना जाता है और मूल त्रिकोण में बहुत ही बढ़िया फल देते हैं। वैसे ही शनिदेव तुला राशि में उच्च के है, लेकिन कुंभ राशि उनको बहुत ही पसंद है। यहाँ पे शनिदेव को भी दो राशि दी गई है, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि का मालिक दिया बनाया गया है। तो मकर राशि से भी कुंभ राशि शनिदेव को बहुत ही प्रिय है, उसमें भी 20 अंश तक, 0 से 20 अंश तक शनिदेव मूल त्रिकोण माना जाएगा और मूल त्रिकोण में शनिदेव बहुत ही बढ़िया फल देते हैं, जो शनिदेव को कुंभ राशि बहुत ही प्रिय है। आज का आपने जो सिखाया गुरुजी वो क्या था? वो ग्रह की नैसर्गिक बल ताकत है जी। जैसे एक इंसान के अंदर कितनी कैपेसिटी है इंसान को सही या गलत फल देने की, तो उसकी ताकत दिखाई गई है। जैसे स्वगुरु आप अपने घर में बैठे हैं और घर में बैठ के आप जो काम कर सकते हैं वो एक राजा सही, लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पावर दिया जावे, घर के अलावा पूरी सोसाइटी का काम आपको सौंपा जाए, तो पूरी सोसाइटी के प्रमुख बन के आप काम कर सकते हो, उसको मूल त्रिकोण बोलते हैं। लेकिन अगर आपको सूरत सिटी के कलेक्टर बनाया जाए और सूरत सिटी का पूरा आपको चार्ज दिया जाए, तो उसकी जो पावर होती है उसको उच्च राशि का ग्रह बोलते हैं। तो ये ग्रहों की मेन पावर बताई गई है, जिससे ग्रह इंसान को सही अच्छा और गलत फल देने की ताकत धराता है। लेकिन एक बात है कि अगर कोई ग्रह शत्रु स्थान का मालिक होके उच्च का होता है वो गलत फल देता है, लेकिन योग कारक होके उच्च का होता है वो सही फल देता है। वो जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे हम समझाते जाएंगे जी। तो ये एस्ट्रोलॉजी गुरुजी ने सिखाई और आज के जो क्वेश्चंस थे जिन्होंने डिटेल्स भेजी थी वो भी हमने बता दी। तो गुरुजी नेक्स्ट एपिसोड में आप क्या सिखाने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी में? नेक्स्ट एपिसोड में हर एक ग्रह का एक नैसर्गिक ताकत होता है, शरीर पे वो कौन से जगह पे उसका पावर रहता है, इंसान के बॉडी में जी। राष्ट्र में कहाँ पे उनका, समाज में कौन से वर्ण पर उसका, वो सब धीरे धीरे हम अगले एपिसोड में लेते जाएंगे जी। तो एस्ट्रोलॉजी सीरीज एपिसोड में आज का जो था वो हमने आज फिनिश कर रहे हम यहाँ पे, और नेक्स्ट एपिसोड में गुरुजी के साथ नई एस्ट्रोलॉजी भी आप सीखेंगे और जिनको भी एस्ट्रोलॉजी के बड़े जी बड़े रोमांचक पीरियड में हम जा रहे हैं अभी जी, जी, जी। तो खास ध्यान रखिए, बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, समझिए, लिखिए, कोई भी क्वेश्चन हुए तो आप हमको पूछ भी सकते हैं, नहीं समझ पड़े तो हम वो बताएंगे जी। और जिनको भी आपके बारे में, आपके लिए, आपके भविष्य के बारे में आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, या बिजनेस में हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में हो, या आपकी जॉब रिलेटेड हो, या अगर पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे के बारे में अगर आप चिंता कर रहे हैं, आपके बच्चे के बारे में आपको कुछ जानना है, तो ज़रूर हमें हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आपका डिटेल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार वापस रिपीट कर सकती हूँ, 9227645700। लेकिन जहाँ पे भी आप जो भी भेज रहे हो पूरे डिटेल के साथ भेजिए, एक कोई भी एक चीज़ या तो आपका बर्थडे भेजते हैं, या कोई नाम नहीं भेजता है, या कोई अपना जन्म स्थान भेजता है, तो कोई जन्म का जो समय है वो नहीं भेज रहा है, तो उसकी वजह से हम काफ़ी सारे जो डिटेल्स है वो हम लाइव में नहीं ले सकते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही मतलब तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल, ये तीन चीज आवश्यक, और नाम भी आवश्यक है ना गुरुजी जी। नाम तो अभी चलो फीमेल या मेल कोई अपना नाम डिक्लेयर नहीं देना चाहता है, तो फीमेल या मेल लिख सकता है कि भाई फीमेल और मेल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, अभी तक के शायद हमने 8 या 9 एपिसोड हमारे ये खत्म हो चुके हैं, और
हम चाहते हैं कि ये लंबे तक चले और लोगों को हम अच्छी मार्गदर्शन दें ताकि लोगों का भविष्य अच्छा बन सके। यही हमारी हमारे चैनल के द्वारा एक ही माध्यम से हमारे माध्यम से हमारी उम्मीद रहेगी और आप लोगों को अच्छा उसका रिजल्ट मिले और आप सबकी हमें दुआ रहे यही आशा के साथ। राजकोट से और अहमदाबाद से 2 या 3 लोगों का मुझे फीडबैक मिला है, जी जी वो बताइए। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो जरूर सीखे, जी जुड़े, जो हम पढ़ा रहे उनको लिख के रखे, ठीक जी है। जी अगर समझ नहीं आता है तो आप पर्सनली भी फोन करके पूछ सकते हैं, हम बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मतलब जो सीख रहे हैं वो पूरे ध्यान से सीखिए तो ताकि आपको वो भी आपके भविष्य में आपको काम आ सकता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी में आपकी कारकिर्दी भी बन सकती है। तो गुरुजी आज के एपिसोड में यहाँ हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय गणेश। जय गणेश, जय गणेश।